assalamu alaikum viewers hope you are well welcome to my youtube channel sunshine today in this video we are going to discuss the types of ex bioremediation so first of all let's discuss what is ex bioremediation have a review of it once again in this video so let's start ex bioremediation describes a process where contaminated soil or water is removed or excavated from the environment by biological organisms एक्सीटोबा रेमिडेशन कैन यूज़ बार रिएक्टर्स एंड एडेड न्यूट्रंस टू तो स्पीड अप एंड ब्रेक डाउन द एन्वायॉयरमेंटल दा पोल्यूटन्स ओके okay. तो एक्सीटोबा रेमिडेशन में क्या किया जाता है ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें कंटेमिनेटेड जो साइड में मौजूद सॉइल या वाटर है उसे रिमूव कर लिया जाता है इंस्टेड ऑफ़ कि हम उसे वहाँ ट्रीट करें हम उसे रिमूव कर लेते हैं और फिर लैब में बायो रिएक्टर में या किसी अपने एरिया में ट्रीटमेंट प्लांट में आके उसे हम ट्रीट करते हैं उससे इन्वामेंटल पोल्यूटन्स को रिमूव करते हैं इसीलिए इसे ऑफ साइड ट्रीटमेंट भी कहा जाता है और इसके अलावा अगर हम बायो रिएक्टर में फॉर एग्जांपल उसको ट्रीट कर रहे हैं तो हम कंडीशंस को भी मैंटेन कर सकते हैं न्यूट्रेंट्स की भी एडिशन कॉन्टीन्यूस कर सकते हैं और इस तरह से हमारा बायो रेमडेशन का प्रोसेस एफक्टिवली परफॉर्म हो सकता है एक्सीटो बायो की या एक्सीटो टेक्निक्स की दो मेजर टाइप्स हैं एक है स्लरी फेस बायो और एक है सॉलिड फेस बायो जो सॉलिड फेस सॉइल ट्रीटमेंट है उसमें हमारे पास कुछ खास प्रोसेस आते हैं जिन्हें हम आगे डिस्कस करेंगे वट आर लैंड फॉर्मिंग सॉल बायो एंड कंपोस्टिंग वॉल इन स्लरी फेस सॉइल ट्रीटमेंट हम एक स्लरी फेस बेस्ड बायोरेक्टर का यूज़ करते हैं आप ये डायग्राम देख सकते हैं इसमें सबसे पहले टॉप पे देखिए कंटेनर या कोई भी जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन डिवाइस है वो क्या करिए उस कंटेमिनेटेड सॉयल को या वाटर को वहाँ से पिकअप करेगी और अपने डिजायर्ड डेस्टिनेशन तक लाएगी उसके बाद हमने उसे क्लासिफाई किया दो टाइप्स में जो स्लरी फेस वायर रेमिडेशन है आप उसमें देख सकते हैं एक बार रिएक्टर यूज़ हो रहा है जिसमें हम कंटेमिनेटेड uh, सॉइल डालेंगे और उसमें उसमें स्लरी हमारा बनाना मकसद है तो उसके लिए हम वाटर को ऐड करेंगे इसके साथ साथ ऑक्सीजन तो और फ़र्टिलाइजर्स को ऐड करेंगे ताकि इंडिजीनस माइक्रोब्स जो हैं अपनी एक्टिविटी अच्छे से परफॉर्म कर सकें फर्टिलाइजर्स जो हैं माइक्रोब्स की न्यूट्रंस की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करेंगे जबकि जो सॉलिड फेस वा रेमिडिएशन है उसमें हम सॉइल या सेडिमेंट को लाते हैं एक स्पेसिफ़िक डिवाइस के अंदर उसे प्लेस करते हैं और उससे उसकी रिक्वायर्ड चीज़ें मुहैया करते हैं जैसे कंपोस्टिंग में आप देख सकते हैं एक ये हमारे पास बिन है बकेट है और इसके अंदर सॉयल या हे को डाला जाएगा इसके साथ साथ जो माइक्रोब्स की रिक्वायरमेंट जो नेचुरल चीज़ों से फुलफ़िल हो सकती हैं ग्रीन आइटम्स जो कि हम वेट ग्रीन आइटम्स जो कि नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए डालते हैं इसके साथ जो हमारे पास ड्राई ब्राउन आइटम्स हैं वो हम कार्बन की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए डालते हैं ताकि माइक्रोब्स की न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट पूरी हो और वो इफेक्टिवली बायोरमेशन को परफॉर्म कर सकें जो लैंड फॉमिंग है उसमें क्या होता है कि हम एक सेल बनाते हैं या बेड बनाते हैं उसमें हम अपने कंटामिनेटेड सॉइल को डालते हैं और नीचे हमारे पास ली कलेक्टिंग सिस्टम भी मौजूद होता है और फिर हम क्या करते हैं नेशनल बायोडिग्रेडेशन ऑफ इंडिजीनस माइक्रोब्स के दौरान जो ली शेड या रेजिटल मटेरियल रेसिट रिलीज होता है वेस्ट उससे हम सेपरेट आउट करते जाते हैं इसके साथ साथ जो बायोपाल्स है उसमें हम केमिकल्स का यूज़ करते हुए अपने जो हमने पाल्स की फॉर्म में कंटामिनेटेड वेस्ट uh, की सॉयल की लेयर्स बनाई होती हैं उनको हम जो है डी करते हैं ओके okay. नाउलेट्स डिस्कस दैम वन बाई वन फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्लरी फेस का ओवरव्यू देख लेते हैं दैन सॉलिड फेस का दैन इनशा उनकी टाइप्स डिस्कस करेंगे वन बाय वन सो स्लरी फेस बायो रेमिडेशन में क्या होता है कंटामिटेड सॉयल इज़ कम्बाइंड विद वाटर एंड अदर एडिटिव इन अ लार्ज बायोरेक्टर एंड मेक्स टू कीप द इंडिजीनियस माइक्रो आर्गनजम इन कंटैक्ट विद कंटामिनट्स यानी जब एक स्लरी बन जाती है तो हमारा जो माइक्रोब्स का इंटरेक्शन है कंटामिनेट्स के साथ वो अच्छे से इस्टेबलिश हो जाता है और वो उन्हें ट्रांसफर फॉर्म कर लेते हैं लेस टॉक्सिक या फिर बायोडिग्रेड कर लेते हैं कम्प्लीटली ब्रेक डाउन कर लेते हैं न्यूट्रंस और ऑक्सीजन ऐड की जाती है बायो रिएक्टर में और इसको इसके अमाउंट को और बाकी जो पैरामीटर्स होते हैं पी एच टम्प्रेशर उनको भी कंट्रोल करना इसमें आसान होता है इसीलिए ये एक रैपिड प्रोसेस है कंपेयर टू नेचुरल बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस और पर्टिकुलरली ये क्लेज जो कि कंटामिनेटेड हो चुके हैं उनकी ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है सॉलिड फेस्ट ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें जो सॉइल्स हैं सेडिमेंट्स हैं उन्हें अबव ग्राउंड ट्रीटमेंट दी जाती है एक स्पेसिफिक एरिया में एक स्पेसिफिक इक्विपमेंट में और इक्विप्ड विद कलेक्शन सिस्टम्स ना सिर्फ इन्हें ऊपर एक आ, रिटेन रखा जाता है एक एरिया में स्पेसिफिक बल्कि नीचे से भी इनके जो ली जो है उसके कलेक्शन के लिए सिस्टम्स लगे होते हैं ताकि हमारे पास कोई भी हार्मफुल वेस्ट या रेजिटोल मटेरियल वापस एनवायरनमेंट में ना जा सके सॉलिड वेस्ट सिस्टम्स आर रिलेटिवली सिंपल टू ऑपरेट एंड मेंटेन बट रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ स्पेस एंड रिक्वायर अ लॉन्गर टाइम ये दो रीजनस हैं जिसकी वजह से स्लरी फेस को नॉर्मली प्रेफर किया जाता है एक ये कि स्लरी फेस में टाइम कम रिक्वायर्ड होता है दूसरा ये कि उसमें स्पेस भी कम रिक्वायर्ड होती है नाउ वी आर गुइंग टू डिस्कस दी टाइप्स ऑफ तेम सो लैंड फॉर्मिंग कंपोस्टिंग और बायोपाल जो कि सॉलिड फेस की टाइप्स थी उन्हें हम ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं जो लैंड फॉर्मिंग है उसमें क्या होता है कंटामिनेटेड सॉयल सेडिमेंट या असलट को एक्सकवेट करने के बाद रिमूव करने के बाद एक बेड में डाल दिया जाता है जो कि इम्परमीएबली लाइंड होता है और फिर उसकी उसमें ऑक्सीजन के लेवल बैलेंस रखने के लिए हम क्या करते हैं पेरियोडिकली उसे टर्न करते रहते हैं टिल मूवमेंट uh, उसकी बेसिकली करते रहते हैं ताकि जो हमारा वेस्ट है उसमें एन औरबिक कंडीशन की तरफ ना जाए बल्कि एरोबिक डिग्रेडेशन को प्रमोट करने के लिए एरेशन होती रहे इसके साथ जो कंपोस्टिंग या कंपोस्टिंग में भी हम क्या करते हैं कंटामिनेट सॉइल को उसकी एक्चुअल प्लेस से रिमूव करने के बाद उसमें हम बल्किंग एजेंट्स डालते हैं जिसमें क्या क्या शामिल है एस वी हैव डिस्कस बिफोर ग्रीन आइटम्स एज वेल एज ब्राउन आइटम्स ताकि वो जो मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं कार्बन एंड नाइट्रोजन उनकी रिक्वायरमेंट को फ़ुलफिल कर सकें और ऐसा ही ऑर्गेनिक जो चीज़ें हैं जैसे वो वुड चिप्स है मेन्योर वेजिटेटवे ये सब डालने से ही फुलफ़िल हो जाएगी ये वाली रिक्वायरमेंट इसके अलावा प्रॉपर अमेंडमेंट्स को हमने क्या करना है इंश्योर करना है ताकि जो हमारे पास पोरोसिटी रहे जिससे हमारे पास जब हमारे कंपोस्ट में पोरोसिटी रहेगी तो एरोबिक डिग्रेडेशन अच्छे से हो पाएगी और इसके साथ साथ प्रोवाइड्स अ बैलेंस व कार्बन एंड नाइट्रोजन टू तो प्रोमोट ऑप्टीम माइक्रो क्लैक्टिविटी इस परपज़ के लिए हमने ये सब इन चीज़ों का बैलेंस मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है वाटर का ऑक्सीजन का एंड कार्बन एंड नाइट्रोजन का स्पेशली इन केस ऑफ न्यूट्रेंट्स इसके साथ साथ बायोपाल्स में क्या हम देखते हैं कि एक्सकोट सॉइल्स को मिक्स किया जाता है सॉइल अमेंडमेंट्स के साथ इसमें भी सॉइल में कुछ चेंजेस की जाती हैं और प्लेस किया जाता है उन्हें अबव लाउंड इंक्लोजर्स में जैसे कि हमने डायग्राम में देखा था दिस प्रोसेस ऑल्सो इंक्लूड्स ली शेड कलेक्शन सिस्टम्स जैसे कि हमारे पास लैंड फॉर्मिंग में कलेक्शन सिस्टम थे हमने ओवरऑल ही इसमें डिस्कस कर लिया था कि वेस्ट को इन्वायरमेंट में जाने से बचाया जाता है तो इस केस में भी बायो पार्स के केस में भी कलेक्शन सिस्टम्स मौजूद होते हैं और ये ज़्यादातर ऐसी सॉइल्स को ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है जिसमें पेट्रोलियम के जो हैं हैं, मौजूद होते पोल्यूट पेट्रोलियम फ्री करने के लिए हम ये वाली प्रैक्टिस इस्तेमाल करते हैं इट इज एन एरेटिक एरेटेड स्टैटिक पाल कंपोस्टिंग प्रोसेस आपने याद रखना है जिसमें कंपोस्ट को पाल्स की सूरत में रखा जा रहा है और ऐसा नहीं है कि पाल्स जब एक के बाद प्रेशर टेम्परेचर इन्हांस होने का चांसेस है तो उसको मेंटेन करने के लिए ऑक्सीजन को मेंटेन करने के लिए ब्लोअर्स और वैक्यूम पंप्स का भी बंदोबस्त किया जाता है ताकि वही एरोबिक बायोडिग्रेडेशन को प्रमोट किया जाए ताकि एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम जो हैं वो डाई ना करें वो अपनी एक्टिविटी कॉन्टिन्यूसली परफॉर्म करते रहें बायोरेक्टिव जो कि स्लरी फेज एक्सीट बायो रेमिडेशन की एक टाइप थी उसमें क्या होता है कि सॉयल को मिक्स किया जाता है विद ग्रेट अमाउंट ऑफ वाटर एंड माइक्रोब्स के साथ यानी हम माइक्रोब्स भी एडिशनली इसमें ऐड कर सकते हैं ठीक है ताकि अफेक्टिवली स्पीडीली हमारा पर्पजेटिव हो और न्यूट्रेंट्स तो ऐड करते ही करते हैं कंडीशनस इन अस्टरी रिएक्टर और ईजियर टू मैंटेन क्योंकि एक प्रॉपर डिवाइस है जिसमें इन्वामेंटल पैरामीटर्स को भी मेनटेन करना आसान है तो ये ज़्यादा फास्टर है और अगर हम रैक्टर्स में भी बात करें तो हमारे पास ड्राई रैक्टर्स होते हैं और वेट रैक्टर्स होते हैं तो उसमें से भी हमारे पास जो तो स्लरी यानी वेट रैक्टर्स हैं वो ईजीअ टू मेन्टेन है और इनका ट्रीटमेंट रेस रेट भी फास्टर होता है